हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली एक काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। कई दिनों से काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स भी आ रही है कि भैया इस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आइए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CCRES वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों CCRES मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस, जो की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिस भी निकल चुका है, जिसके अंदर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज रखी गई है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको एक ऑफिशियल नोटिस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी पोस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे बात करेंगे, साथ इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनेंट सेल क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वे टू सक्सेस की पहली मैथमेटिक्स की दो बुक एक साथ कॉम्बो में लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ बुक है, साथ ही मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक से आप मैथमेटिक्स की तैयारी करके देखिए, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओगे मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर, यह मेरा दावा है। दोनों ही बुक ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर इजिली मिल जाएंगे, दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस स्पेसिफिकेशन के साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको मैथ्स की एक भी बुक नहीं मिलेगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों CCRES डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 595 निकली हुई है, जिसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट है हमारी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 22 रखी गई है, UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 रखी गई है, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 रखी गई है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वेरियस पोस्ट है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 260 रखी गई है, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 रखी गई है। और भी काफी सारी इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं, लेकिन उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हायर मांगा हुआ है, एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा मांगे हुए हैं, लेकिन ये जो 5-6 पोस्ट है इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ये सभी पोस्ट यहां पर रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में इन सभी पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस पब्लिश हो रखा है, जिसमें इसकी पोस्ट और वैकेंसीज की सारी डिटेल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न की भी डिटेल्स दे रखी हैं। तो भाई इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, वो तो हम आगे बात करेंगे, पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले फॉर्म फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल काफी सारे लोग फॉर्म फीस से डरे हुए हैं, जो अननोन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि हाल ही में DDA के अंदर 1000 रुपए फॉर्म फीस थी, लेकिन इस वैकेंसी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, ST/SC फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों जो हमारी UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हो गई, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, या फिर हमारी LDC की पोस्ट है, इनके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। बाकी जो हमारी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रहेगी। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। ओबीसी ST/SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST/SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, अगर आपने 12th
पास किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। वहीं पर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और एमटीएस की भी वेरियस पोस्ट है, वेरियस ट्रेड है, आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। यूडीसी अपर डिविजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए भी 12th पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड सेकंड के लिए, और ग्रेड फर्स्ट स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई ये सिंपल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी के लिए पोस्ट वाइज। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है, ये वैकेंसी 2019 में भी आई थी, और जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना ही स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था 2019 में। तब आपकी एलडीसी और यूडीसी की केवल दो ही पोस्ट थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जितनी भी पोस्ट मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, बेसिकली सभी का सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। अगर हमारी कोई क्लरिकल पोस्ट है, उसमें सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हमारी कोई नॉन क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है, उसमें केवल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही हो जाएगा। मतलब एमटीएस की पोस्ट के लिए केवल एक ही स्टेज आपकी कंडक्ट कराया जाएगी, एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो चिंता मत करिए, सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले दोस्तों, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। कई दिन से काफी स्टूडेंट्स की शिकायत भी आ रही थी कि भाई आप सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए कोई अच्छी बुक्स रिकमेंड करने वाले थे, तो फाइनली सभी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स को दो काफी अच्छी बुक्स रिकमेंड कर देता हूं, जिसमें से एक है स्पेशल गाइड फॉर सीएचएसएल एग्जाम, जिसमें चारों ही सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज अपडेटेड थ्योरी मिल जाएंगे, सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे विद डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही लास्ट 5 ईयर्स के एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस पेपर भी दे रखे हैं चैप्टर वाइज विद डिटेल सॉल्यूशन। इसी के साथ दूसरी बुक भी दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है, जिसमें एसएससी सीएचएसएल के लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, जिससे आप अपनी हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, इन दोनों बुक की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसमें आपको एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं, साथ ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन मिलते हैं, साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप सीएचएसएल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इन बुक को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो भाई, हम बात कर रहे थे सीसीआरएस वेरियस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जितनी भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, चाहे वो आपकी एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, इनके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्पेशली जो हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होगी, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होगी, एमटीएस, इनके एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रहेगा, मतलब 4 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस रहता है, जिससे एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ये सेक्शन। तीसरा सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही आएगा। चौथा सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये इसके ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है नेगेटिव मार्किंग वाला डाउट भी। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि जो हमारी स्टेनोग्राफर की दो पोस्ट है, इनके एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि पिछली बार 2019 में स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं थी, एलडीसी यूडीसी की थी, क्लियर है? तो भाई 100 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, ये क्लियर है, ठीक है? तो आप इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। फॉर्म कब निकल रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, वो डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करा ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली, एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट का डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वी टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में इजीली डाउनलोड करके अच्छे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी यही बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के
अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हो, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखें दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस पोस्ट की कट ऑफ अलग बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट होगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो गई, इन तीनों पोस्ट के लिए आपका सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि एलडीसी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एलडीसी की पोस्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड निकालनी होगी, या फिर आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करके दिखाना होगा। अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं दी आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो एग्जाम के बाद होता है, आपको टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाता है। टाइपिंग का कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, ना ही कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मांगा गया है। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं मिलते। इसी के साथ जो हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ना, स्पेशली ग्रेड सेकंड की पोस्ट, उसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी की, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड लिखने की आपकी स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट की आपको कोई डिक्टेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में बोली जाती है, जहां पर आपको 800 वर्ड लिखने होते हैं 10 मिनट में। स्टेनोग्राफी का तो आपको पता ही होगा, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है कंप्यूटर के ऊपर, तो ये भाई स्टेनोग्राफी का होता है। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी भी आपकी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। स्टेनोग्राफी होती क्या है, शॉर्ट हैंड होता क्या है, इसके रिगार्डिंग चैनल के ऊपर बहुत सारी डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, सर्च कर लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? सेकंड स्टेज होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेसिस पर होगा, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, एमडीएस हो गया, सभी की पोस्ट का जो एग्जाम था ना वो 100 मार्क्स का था, ठीक है? तो 100 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एलडीसी के लिए किया तो एलडीसी की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, एमटीएस के लिए किया तो एमटीएस की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। एमटीएस की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, आपका एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल टेस्ट या वगैरह या फिर स्टेज नहीं होगी। क्लियर है? आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी क्या मिलेगी। जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 34,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। यूडीसी की पोस्ट है, थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 38,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एमटीएस की पोस्ट भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन थोड़े लेवल लोअर लेवल की पोस्ट है, 1800 से 1900 रुपए आपका ग्रेड पे होता है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 28,000 आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के ऊपर आपकी 40,000 के आसपास सैलरी रहेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर आपकी 36,000 के आसपास इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। तो भाई ये आपका सैलरी का फंडा रहने वाला है। बात कर लेते जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि अगर इस डिपार्टमेंट के अंदर इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो गया तो आपको काम क्या करना पड़ेगा उस पोस्ट के ऊपर रहकर। देखिए, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, तीनों पोस्ट हमारी क्लेरिकल पोस्ट है, मतलब आपको इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपकी नहीं होगी, मस्ट 9 to 5 की आपकी फ्रेश जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो CCRES आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों में इस डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस भी है, जिनके अंदर आपको फाइनल पोस्टिंग देखने को मिल जाती है। होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। अब फाइनली बात करते हैं कि भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, 20 मई से 26 मई का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर था, उसके अंदर इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जिसमें क्लियरली कहा हुआ था कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 जून से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 30 जून 2023 रखी जाएगी। क्लियर है? तो टेक्निकली इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 जून से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। देखिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के पर एक नोटिस पड़ा हुआ है, चाहे आप जाके चेक कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें क्लियरली कहा हुआ है कि जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस पहले निकला था, जिसमें यह कहा हुआ था
कि 1 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाले और 30 जून तक फॉर्म चलेंगे। फिलहाल हम उस डेट को पोस्टपोन कर रहे हैं और जो नई डेट होगी वो हम जल्दी ही जारी कर देंगे। मतलब जो 1 जून से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे वो किसी कारण की वजह से पोस्टपोन हो गए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और जो नई डेट है फॉर्म स्टार्ट होने की, एग्जाम होने की, वो हम जल्दी पब्लिश करेंगे। यानी कि जून मंथ के अंदर ही नई डेट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नई डेट, नया डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और जैसे ही नई डेट आती है मैं आपको तुरंत वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, आप तैयार रहिए। देखिए वैकेंसी तो क्लियर है कि वैकेंसी आने वाली है, एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है, किसी रीजन की वजह से, कारण की वजह से थोड़ा सा 10-15-20 दिन डिले हो गया है, बस क्लियर है। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, क्लियर है। फॉर्म जैसे ही निकलेंगे फॉर्म की लास्ट डेट से 3-4 महीने बाद इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो 100% आपको तैयार रहना है अपनी तरफ से। वैसे तो दोस्तों मैंने प्लानिंग नहीं की थी इस वैकेंसी के लिए कोई डिटेल वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था कि जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो मैं आपके लिए तब वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन काफी सारे लोग बोलने लग गए कि भैया वीडियो लेकर आइए, इस वैकेंसी की रिगार्डिंग फुल डिटेल्स हमें प्रोवाइड करिए। मैंने सोचा चलिए वैकेंसी तो आएगी, मैं आपको पहले एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा ना कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा सोनू अहलाद के नाम से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं। बाकी आपको पता है वीडियो सक्सेस की पहले मैथमेटिक्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जबरदस्त बुक है, सी स्पेसिफिकेशन के साथ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको कोई बुक नहीं मिलेगी, बहुत ही स्पेशल बुक है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट हमने प्रोवाइड किया। दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज कर लीजिए। तो चलिए वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।